हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ऑफिस में फेंट हो गया था, दिन उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। दिन हॉस्पिटल में उससे मिले लंजा आया था। लंजा उसके लिए खाना लेकर आया था, विंग ने उसे खाया, दिन मेडिसिन खा के वो सो गया। बट सोने से पहले उसने लंजा से कहा था कि वो उसे एक घंटे बाद उठा दे, लंजा ने प्रॉमिस भी किया था। दिन नेक्स्ट जब विंग नींद से उठा तब ऑलरेडी 12 घंटे हो चुका था। उसके रूम पर जियांग चेंग था जो उसके सामान को पैक कर रहा था। जियांग चेंग ने कहा, फ्रेश हो जाओ, हम अभी निकलने वाले हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, वो कहाँ पर है? जियांग चेंग ने कहा, पेपर वर्क कर रहा है। क्यों? विंग ने कहा, पेपर वर्क? जियांग चेंग ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, क्यों? जियांग चेंग ने कहा, हुसैन इसके अलावा और क्या करेगा? विंग ने कहा, तुम हुसैन की बात कर रहे हो? जियांग चेंग ने कहा, और कौन? ये सुनकर विंग चुप हो गया। वो सोच रहा था, लास्ट नाइट कोई ड्रीम या फिर हेलुसिनेशन नहीं था, ये हो नहीं सकता, लंजा सच में था। जब विंग ये सब सोच रहा था, जियांग चेंग ने कहा, वुशियान मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी सुपरस्टिशियस हो। ये सुनकर विंग फ्रोंड हो गया। दिन जियांग चेंग ने उसके हाथों की तरफ इशारा किया। विंग ने उसे फॉलो किया और देखा कि उसके हाथ में एक रेड धागा है। ये देख के विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ वाचेंग, बट कोई है जो बहुत सुपरस्टिशियस है। ये सुन के जियांग चेंग विंग को बहुत ही सस्पिशियस नज़र से देखने लगा। देन जियांग चेंग ने उस धागा को टच करने की कोशिश किया, बट विंग ने कहा, टच मत करो, ये खराब हो जाएगा। जियांग चेंग ने कहा, क्या? इससे पहले विंग कुछ कहता, वहाँ पर हुसैन आ गया। हुसैन ने कहा, थैंक गॉड तुम आ गए, ये कितनी वर्ड बिहेव कर रहा है। ये बोल के जियांग चेंग वहाँ से चला गया। हुसैन ने कहा, तुम बहुत ही हैप्पी दिख रहे हो। ये सुनकर विंग ने ग्लेयर किया तो हुसैन ने कहा, व्हाट? देन हुसैन ने कहा, क्या तुम्हें पता भी है जब वो इसे तुम्हारे हाथ पे बांध रहा था तब उसे देखना कितना अवफुल था? मैं ये सब नहीं देख सकता। विंग ने कहा, क्या? हुसैन ने कहा, वो कितना इंटीमेट था, मुझे लिटरली रूम से निकालना पड़ा। विंग ने कहा, हुसैन क्या तुमने उसे यहाँ से भगाया? हुसैन ने कहा, हाँ, तो मैं और क्या करूँ, उसे यहाँ पर मरने दूँ? विंग ने कहा, क्या मतलब? हुसैन ने शाई की और कहा, जब मैं यहाँ पर तुम्हें चेक करने के लिए फर्स्ट टाइम आया था तब उसने कहा कि अलार्म ऑफ करने के लिए, मैंने वो ही किया। देन सेकेंड टाइम जब आया था तब वो लिटरली ड्रूपिंग कर रहा था तुम्हारे पास, एंड ये पैथेटिक था। विंग ने कहा, तुमने अलार्म ऑफ किया? हुसैन तुम मेरे दोस्त हो या उसके? हुसैन ने कहा, तुम इसके लिए वरीड हो? तुम्हें पता भी है कि मुझे उसको इस रूम से धक्के मार के निकालना पड़ा, एंड जब मैं तुम दोनों के उस हाथ को अनटाई कर रहा था तब वो मेरी तरफ ग्लेयर कर रहा था, तुमने ऐसे हाथों को बांधा क्यों था? ये सुनकर विंग ब्लश करने लगा। तो हुसैन ने कहा, ओ माय गॉड, तुम कितने एम्बेरेसिंग हो। ये सुनकर विंग ने हंसा। देन विंग ने कहा, बट ये धागा रेड क्यों है, इसका क्या मतलब है? क्या रेड कलर कोई? हुसैन ने कहा, लानकुरेन ने अपने दोनों नेफ्यूज को ही ये दिया है उनके प्रोटेक्शन एंड लक के लिए, एंड तुम्हारे हाथ में जो है वो शायद मिसेस लान का है। वांगजी ने तुम्हें दिया है ताकि तुम ठीक हो जाओ, तुम सीख हो ना, इसलिए। विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता? हुसैन ने कहा, जेबोजुन के पास भी ये सेम है, बोथ लान ब्रदर्स के पास ही है, उनके फैमिली में सिर्फ उनके पास ही ये धागा है। विंग ने कहा, इसका मतलब ये बहुत ही ओल्ड होगा। हुसैन ने कहा, मुझे पता नहीं था कि वांग जी इन सब में बिलीव करता है, शायद वो इन सब में तब बिलीव करता है जब चीज़ें लाइफ के बारे में होता है। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया, उसे बहुत ही अच्छा लगा। अब वो लोग कार में थे, विंग के घर जा रहे थे। कार में विंग ने लंजा को उस धागे का पिक्चर भेजा और कहा, मुझे पता था तुम सुपरस्टिशियस हो। ये देख के लंजा ने लिखा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम उसे फेंक सकते हो। ये सुनकर विंग फ्रोंड हो गया। उसने लिखा, इसका क्या मतलब है? इस मैसेज का रिप्लाई लंजन ने तब नहीं किया। जब विंग घर पहुंच गया तब लंजन ने लिखा, मुझे पता है कि तुम इन सब में विश्वास नहीं करते, आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे पूछे बगैर ही उसे बांध दिया। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। लंजन उसे इसलिए सॉरी बोल रहा है क्योंकि उसने विंग को हैप्पी किया है। ये सोचते हुए भी विंग को सैड फील हो रहा था। उसने लिखा, चाहे तुम जो भी सोचो, मैं इसे कहीं भी नहीं उतारूंगा। देन लंजन ने रिप्लाई किया, आई एम ग्लैड। फाइनली 2 दिन बाद विंग फिर से ऑफिस गया।
एंड ऑफिस में चिंसू उसका वेट कर रही थी। चिंसू ने कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। ऐसे टोन सुन के विंग ने कुछ कहा नहीं, उसने सिर्फ स्माइल किया एंड वो अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी चिंसू ने मौक करते हुए कहा, क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आऊँ, एक्स्ट्रा शुगर एंड हार्ट? विंग ने कहा, नहीं नहीं, वेजिटेबल जूस ही ठीक है। कुछ टाइम बाद चिंसू विंग के लिए जूस लेकर आई, जो एक्चुअली बहुत भयंकर था। ऐसे ही चलता रहा। थर्ड डे अब विंग जूस नहीं पी सकता। उसने कहा, अब मैं नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी। बट विंग को पीना पड़ा। नेक्स्ट डे फाइनली चिंसू एक मैंगो जूस लेकर आई, जो विंग के लिए ठीक था। देन चिंसू ने पूछा, क्या वो तुम्हारा फर्स्ट लव है? ये सुन के विंग फ्रीज हो गया। देन विंग ने कहा, लास्ट भी। चिंसू ने कहा, ऐसा नहीं चलता, तुम्हें अपने लिए किसी को ढूंढना होगा बॉस। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, चिंसू वहाँ से चली गई। बट विंग को पता है कि चिंसू जो कुछ भी कह रही है वो सच है, जिंदगी ऐसा नहीं चलता, लंजे भी किसी न किसी को ढूंढ ही लेगा। तभी विंग ने लंजा को मैसेज किया। उसने लिखा, लंजा मैं बहुत बोर फील कर रहा हूँ, तो बोलो तुम्हारा दिन कैसा गया। ये मैसेज देख के लंजा ने रिप्लाई किया, अनइवेंटफुल। ये देख के विंग ने कहा, एक बोर्ड इंसान को ऐसे शॉर्ट रिप्लाई कौन देता है? लंजा ने रिप्लाई किया, तुमने पूरा दिन क्या क्या किया? ये देख के विंग को अच्छा लगा। उसने कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप लिखूं, आई मीन मॉर्निंग टू इवनिंग? लंजा ने लिखा, हाँ। तो विंग ने वही किया, उसने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखा। कुछ दिन बाद वीकेंड में जब वो विंग फैमिली के साथ डिनर करके लौट रहा था, तब उसने फिर से लंजा को मैसेज किया। उसने लिखा, मुझे बहुत बोर्ड फील हो रहा है, क्या मैं तुम्हें कॉल करूँ? तब लंजा ने रिप्लाई नहीं किया, उसने डायरेक्ट कॉल किया एंड इससे विंग हैप्पी हो गया। वो लंजा को सब कुछ बताने लगा, उसने जो कुछ भी किया सब कुछ, एंड लंजा सुनने लगा। कुछ दिन बाद जब विंग मीटिंग से लौट रहा था, तब उसने फिर से लंजा को कॉल किया विदाउट प्रायर टेक्स्ट। विंग को बोर फील हो रहा था तो लंजा ने पूछा, तो बोलो तुमने क्या क्या किया? एंड विंग ने बताना स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे उनके बीच में कॉल बढ़ता रहा, वो लोग ऐसे ही कॉल में बात करते रहे। एक दिन बात करते करते लंजा सो गया था। विंग ने लंजा को बहुत बुलाया बट लंजा सो चुका था, तो लंजा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। विंग को लगा कि उसे कॉल कर देना चाहिए, पर उसने कॉल नहीं काटा। वो दो घंटे से स्लीपिंग लंजा को ही सुन रहा था। देन मॉर्निंग को उसने थोड़ा फन करने का सोचा, तो उसने लिखा, तुम स्नोर करते हो, ओ माई गॉड लंजा, आई कांट बिलीव तुम स्नोर करते हो, आई मीन पियरलेस सेकेंड जेट स्नोरिंग करता है थंडर की तरह। ये बोल के विंग हंसने लगा। तो लंजा ने रिप्लाई में लिखा, मैं नहीं करता। अब विंग को बहुत मज़ा आ रहा था। उसने लिखा, तुम्हें कैसे पता? लंजा ने लिखा, किसी ने मुझे बताया था। ये सुन के विंग फ्रीज हो गया। उसने लिखा, मास्टर लान, क्या तुमने अभी अभी एडमिट किया कि तुम किसी के साथ नाइट स्पेंड कर चुके हो? ये लिखने के बाद विंग फ्रीज हो गया। वो सोच रहा था उसने क्यों लिखा। दिन रात को डिनर टाइम में लंजा ने रिप्लाई किया, सच कहो तो हाँ। लंजा कैसे रिप्लाई देखते पहले विंग शॉक्ड हो गया। देन उसने लिखा, एंड वो इंसान कैसा था? लंजा ने लिखा, बोर्ड गेम्स में टेरेबल। ये देख के विंग को बिलीव नहीं हो रहा था। आई मीन लंजा ऐसी बातें कर रहा है, ऐसे बोल्ड बातें? देन लंजा ने लिखा, बट हाँ मोनोपोली है वो अच्छा था। ये देख के विंग का हार्ट वार्म हो गया, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसे लगा थोड़ा और टीस किया जाए, थोड़ा और बोल्ड बातें किया जाए, थोड़ा और सेमलेस बातें किया जाए। तो विंग ने सेमलेस एरर बातें करना स्टार्ट किया एंड लंजा भी रिप्लाई करने लगा। एंड ये विंग के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था, बहुत। एनीवेज विंग का दिन ऐसा ही जा रहा था। अब वो धीरे धीरे ठीक होने लगा, उसका दिल ठीक होने लगा। उसे पता है कि वो लंजा को पा नहीं सकता, बट इससे ही वो हैप्पी है। वो लंजा से बात कर पाता है कॉल पे कंफर्टेबली, यही विंग के लिए बहुत है। देन एक दिन वो यानली के घर गई, यानली एंड जिल्लिंग से मिलने। उन लोगों ने बातें किया। देन यानली ने विंग को उस रेड धागा के बारे में पूछा, तो विंग ने कहा, इसे लंजा ने दिया है। देन यानली ने विंग को उस रेड धागा के बारे में पूछा, तो विंग ने कहा, इसे लंजा ने दिया है। देन यानली ने कहा कि विंग के हाथ में एक बचपन में ही धागा था जो उसके पेरेंट्स ने दिया था। यह सुनकर विंग शॉक्ड हो गया, उसे पता नहीं था। यानली ने कहा, हाँ वो बहुत ही ओल्ड हो चुका था, तो एक दिन मैडम यू ने उसे काट दिया था।
जब विंग सो रहा था। एंड देन जब विंग को पता चला था तब विंग बहुत रोया था, बहुत। एंड ऑफ कोर्स विंग का मेमोरी अच्छा नहीं है तो उसे कुछ भी याद नहीं। ये सुनकर विंग को हंसी आ गई। देन विंग जब अपने घर वापस आया उसने अंकल जियांग को कॉल किया। उसने अंकल जियांग को अपने पेरेंट्स के बारे में पूछा तो अंकल जियांग ने उसे बताया कि उसके पेरेंट्स कितने अच्छे थे। विंग का डैड बहुत ही सुपरस्टिशियस थे बट उसके मॉम बहुत ही साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल बातों में विश्वास करते थे, बिल्कुल विंग की तरह। अपने पेरेंट्स के बारे में सुन के विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। अंकल ने कहा कि उसका मॉम सुपरस्टिशियस तो नहीं था बट उसके मॉम ने विंग के हाथों में एक रेड धागा बांधा था उसके पापा के लिए, बिकॉज विंग के फादर इन पे बिलीव करते थे। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। अंकल जियांग ने कहा तुम्हें याद नहीं? विंग ने कहा नहीं। अंकल जियांग ने कहा तुम किसी को भी उसको टच नहीं करने देते थे, तुम कहते थे किसे तुम्हें तुम्हारे मम्मा ने दिया है तुम इसे किसी को भी नहीं दोगे। ये सुन के विंग की आंखों में आंसू आ गया। कुछ टाइम बात करने के बाद उसने फ़ोन कट कर दिया। देन वो फ्लोर पे बैठ गया। विंग सोच रहा था कि वो अपने मॉम का दिया हुआ धागा किसी को भी नहीं देता था एंड इस तरफ लंजा उसने अपने मॉम का दिया हुआ धागा विंग को दे दिया विंग के भलाई के लिए। विंग बिल्कुल लॉस्ट हो चुका था एंड उसने अपने फ़ोन उठाया एंड देन ऑटोमेटिकली उसने लंजा को कॉल किया। लंजा ने कॉल को रिसीव किया बट इस बार विंग ने लंजा को ये नहीं कहा कि वो बोर्ड है या फिर उसे अच्छा नहीं लग रहा। उसने कहा लंजा मैं तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाने के लिए क्रेव कर रहा हूँ, क्या अभी मुझे वो मिल सकता है? विंग के वॉइस सुन के लंजा को थोड़ा अजीब लगा बट उसने कहा क्या तुम घर पे हो, मैं लेकर आता हूँ। विंग ने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, इससे टाइम बचेगा लंजा मैं बहुत हंगरी हूँ। लंजा ने शाई की ओर कहा ठीक है यहाँ पर आने के बाद कॉल करना मैं उसे लेकर नीचे आ जाऊँगा। ये सुन के विंग फ्रोंड हो गया, उसका हाथ फ्रीज हो गया। उसने कहा क्या तुम्हारे घर पे कोई आया है, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं? तभी लंजा ने कहा विंग हमारे अपार्टमेंट के दोनों लिफ्ट ही खराब है एंड बहुत सारे स्टेयर्स है, तुम्हें नहीं चढ़ना चाहिए। विंग ने कहा क्या? लंजा ने कहा तुम सीख हो ना। ये सुन के पहले विंग शॉक था एंड देन उसने हंसते हुए कहा तुम इडियट, तुम एक स्टूपिड इडियट हो, जब मैं वहाँ पर जाऊँगा मैं तुम्हें मार ही डालूँगा। लंजा ने कहा फाइनली विंग को रिलीफ फील हुआ एंड देन वो निकल गया। वो लंजा के पार्किंग लॉट पे पहुँच गया एंड फाइनली वो इतने सारे स्टेयर्स को क्लीम करके लंजा के घर के सामने पहुँचा। लंजा ने दरवाज़ा ओपन किया एंड विंग बहुत थक चुका था। वो लंजा के काउच पे जाकर बैठ गया, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। विंग को देखकर लंजा कंसर्न हो गया, उसने विंग को पानी ऑफर किया एंड विंग ने पूरा पानी पी लिया। लंजा ने कहा तुम्हें मेरी बात सुनना चाहिए था। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ स्माइल किया। लंजा ने कहा अब ठीक लग रहा है? विंग ने नोट किया। लंजा ने कहा ठीक से बैठो वरना तुम अपने पोस्चर को बिगाड़ दोगे। ये सुनकर विंग ने कहा बाहर में जाए, मैं ऑलरेडी डेड हूँ। ये बोलकर विंग ने अपने आँखें बंद किया। लंजा ने कहा तुम्हारा बहुत ही टेरेबल स्टेमिना है। ये सुनकर विंग ने अपने आँखें ओपन किया, उसने कहा क्या तुमने? लंजा ने कहा भूल जाओ मैंने कुछ कहा था। ये बोल के लंजा किचन पे चला गया एंड विंग वहाँ पर वापस बैठ गया। 10 मिनट हो गया लंजा अभी तक वापस नहीं आया। ये देख के विंग फ्रोंड हो गया, वो लंजा को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो लिविंग रूम पे आ गया, लंजा किचन रूम पे था। विंग ने कहा लंजा तुम कहाँ पर डिसअपीयर हो गए? लंजा ने किचन से विंग को देखा और कहा विंग खाना ऑटोमेटिक नहीं बन जाएगा। ये सुन के विंग ने कहा ओ राइट मुझे पता है, ऑफ कोर्स मैं बस बोर हो रहा हूँ, तुम्हारे पास टीवी भी नहीं है? लंजा ने कहा मेरे पास बुक्स है। विंग ने कहा ऑफ कोर्स तुम्हारे पास बुक्स है। लंजा ने नोट किया एंड वो फिर से किचन पे गायब हो गया एंड विंग काउच पे बैठ गया अपने आँखें बंद करके। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा ये लो। ये सुनकर विंग ने अपने आँखें ओपन किया और देखा कि लंजा के हाथ में एक छोटा सा जीभ है जो बिल्कुल बनी जैसा दिखता है, एक छोटा सा पिग। उसने उसे अपने हाथों में उठाया और कहा ओ माय गॉड। लंजा ने कहा बी जेंटल, वो बहुत जल्दी डर जाता है। विंग ने नोट किया। दे लंजा ने पूछा क्या तुम्हें उसका नाम याद है? विंग ने कहा यू टू। लंजा ने कहा वाओ मैं तुम्हारी मेमोरी देखकर सरप्राइज्ड हूँ। विंग ने कहा ऑफ कोर्स।
ये तुम्हारा डॉटर जो है? लंजे ने कहा, सोंगलंग का भी, उसने मुझे इसे दिया था। ये सुनकर विन ने लंजे की तरफ देखा, बट लंजे ने ये चीज़ नोटिस नहीं किया। लंजे तो यू टू को देख रहा था। विंग ने कहा, तुम्हारा मतलब ये तुम्हारा एंड सोंगलंग का है? लंजे ने कहा, ये देख के विंग का मूड बिगड़ गया। उसने कहा, अच्छा हुआ तुम क्यूट हो यू नो। ये बोल के वो यूटू के चीक्स को पोक करने लगा। दिन उसने कहा, वरना तुम्हारे पापा बड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सुन के लंजे ने इमीडिएटली यूटू के कान को कवर कर दिया। विंग ने और भी कहा, उसने कहा, इनफैक्ट उसने तुम्हारा नाम भी रैबिट के नाम से दिया है। ये सुन के लंजे ने कहा, विंग। दिन लंजे ने अपने डॉटर की तरफ देखा और कहा, उसकी बात मत सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लंजे ने यह बात इतनी सीरियसली कहा कि विंग को बिलीव नहीं हो रहा था। लंजे ने यूटू से कहा, तुम मेरे प्रिंसेस हो, है ना? देन फाइनली विंग ने लंजे को पुश किया और कहा, जाओ और अपना कुकिंग कंप्लीट करो। तो लंजा किचन पे चला गया। जैसे ही लंजा वहाँ से गया, विंग ने यूटू की तरफ देखा और कहा, हेलो स्टेप चाइल्ड, चलो कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, ओके? जस्ट बिकॉज मैंने एंड तुम्हारे डैड ने डिवोर्स कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मैचमेकर बनोगे। ये सुन के यूटू ने अपने नोज को ट्विस्ट किया। तो विंग ने कहा, हाँ तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? यूटू ने फिर से इग्नोर किया। तो विंग ने कहा, मेरे साइड पे रहो, ओके? यूटू ने फिर से इग्नोर किया। तो विंग ने कहा, मैं तुम्हें एक्सपेंसिव ट्रीट दूंगा अगर तुम करोगे तो। ये सुन के यूटू शांत हुआ एंड विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, गुड गर्ल। दिन वो कुछ टाइम के लिए यूटू के साथ खेलने लगा। कुछ टाइम बाद लंजा विंग के पास डिनर लेकर आया। विंग ने कहा, तुम मुझे काउच पे बैठ के खाने के लिए अलाउड कर रहे हो? लंजा ने कहा, इट्स ऑल राइट, तुम ऑलरेडी टायर्ड हो। मैं यूटू को लेकर जा रहा हूँ, तुम खाना खा लो, ये हॉट है तो संभाल के खाना। ये बोल के लंजा यूटू को लेकर चला गया। विंग ने देखा कि लंजा बहुत सारा खाना बना चुका है। ये देख के विंग ने कहा, लंजा मैंने सिर्फ एक डिश के लिए कहा था। लंजा ने कहा मैंने अज्यूम किया कि तुमने डिनर नहीं किया होगा विंग। ये सुन के विंग को अंदर ही अंदर कुछ हुआ। तो उसने कहा, ऑफ कोर्स तुम ही ऐसा कर सकते हो। लंजा विंग के पास वापस आया। विंग ने अभी तक खाने का एक बाइट भी नहीं लिया था। ये देख के लंजा ने कहा, क्या हुआ है? विंग ने कहा, तुम्हारा कहाँ है, तुम खाना लेकर नहीं आए? ये सुन के लंजा ने ब्लिंक किया और कहा, मेरा डिनर ऑलरेडी हो गया है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। दिन वो अपने फ़ोन को चेक करने लगा और देखा कि सच में बहुत रात हो गया है। ये देख के विंग को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मेरी वजह से तुम्हें फिर से खाना बनाना पड़ा? ये सुन के लंजे विंग के पास आकर बैठ गया और कहा, कोई बात नहीं। विंग ने कहा, तुम्हारा बेड टाइम ऑलरेडी हो चुका है एंड तुम ये सब। लंजे ने कहा, विंग कोई बात नहीं। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स तुम ऐसा ही कहोगे एंड मैं कंटिन्यू ये सब किए जा रहा हूँ, है ना? मैं सच में एक इडियट हूँ, मैं तुमसे कंटिन्यू चीज़ें लिया जा रहा हूँ एंड तुम जस्ट। तभी लंजा ने कहा, चुप। ये सुन के विंग चुप हो गया। दिन लंजा ने ट्रे उठाया एंड स्पून से विंग को खिलाने लगा। उसने कहा, मुंह खोलो। विंग ने कुछ टाइम के लिए स्पून को देखा, देन उसने उसे एक्सेप्ट किया। लंजा ने पूछा, कैसा बना है? विंग ने कहा, बहुत अच्छा, परफेक्ट। लंजा ने कहा, क्या आप तुम खा सकते हो? ये सुन के विंग लंजा को देखने लगा जैसे वो करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि लंजा ही उसे खिलाए। वो मन ही मन में कह रहा था, क्या तुम अपने सारे दोस्तों के साथ ऐसा ही करते हो? क्या वो लोग तुम्हें किस करते हैं? क्या मैं तुम्हें किस करूँ? बट ऑफ कोर्स विंग ये सब लंजा को नहीं कह सकता। तो विंग ने अपने दोनों हाथों को अपने बैक पे छुपा लिया ताकि लंजा उसे खिलाए। ये देख के लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा, देन उसने शाय किया। देन उसने पूरी तरह विंग की तरफ टर्न किया एंड वो उसे खिलाने लगा। खिलाते टाइम लंजा ने पूछा, तो आज तुम्हारा दिन कैसा गया? विंग खाते खाते लंजा को सब कुछ बोल रहा था। लंजा ने पूछा, तुम्हारा काम कैसा गया? विंग ने वो भी बताया। देन लंजा ने विंग को लास्ट पीस खिलाया, देन कहा, तुमने एक बात सही कहा। ये सुनकर विंग ने पूछा, हाँ? लंजा ने कहा, तुम एक इडियट हो। ये सुनकर विंग हंसने लगा जैसे कि वो रोना चाहता हो, पर वो फोर्सफुली हंस रहा हो।
डिनर होने के बाद लंजन उसे चाय के लिए ऑफर किया। विंग मान गया तो लंजन चाय बनाने के लिए किचन में चला गया। विंग ने चाय के लिए इसलिए हाँ बोला ताकि वो लंजन के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। जब लंजन चाय बना रहा था, विंग लिविंग रूम के ऐसे आसपास घूम रहा था, तभी उसे कुछ बुक्स दिखा, कुछ म्यूजिक के, लिटरेचर के या फिर पोएट्री के। एंड वहाँ पर एक अनकमन बुक था जो लंजन के लिए बहुत ही अनकमन था। उस बुक का नाम है द कम्प्लीट गाइड ऑफ ड्रोन्स 11th एडिशन। इस बुक को देख के विंग शॉक्ड हो गया। विंग ने बुक को ओपन किया एंड उस बुक के 967th पेज में एक बुक मार्क है रैबिट शेप का। विंग उस बुक को देख के इतना शॉक्ड हो गया था कि उसका वॉयस ही नहीं आ रहा था उसके अंदर से। एंड जैसे उस रूम पे लंजा आया, विंग जर्क कर उठा। लंजा ने कहा, विंग क्या तुम, ये बोल के लंजा चुप हो गया। लंजा ने देखा कि विंग के हाथ में थ्रोन का बुक है। लंजन ट्रे को टेबल पे रख दिया एंड वो विंग को देखने लगा। देन उसने कहा, मैंने उसे बाय किया था क्योंकि विंग ने कहा, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि मैं मेरे हर एक टेस्ट फ्लाइट्स तुम्हारे साथ लेना चाहता हूँ। ये सुन के लंजन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट उसने विंग की तरफ भी नहीं देखा। देन लंजन ने कहा, चाय ठंड हो रही है, ये बोल के लंजा पीछे मुड़ा जाने के लिए, बट विंग लंजे के पास आ गया एंड लंजे को टाइटली हक कर लिया। उसने अपने फेस को लंजे के नेक में प्रेस किया और अपने आंखें बंद करके कहा, मैंने ऐसा कैसे किया, मैंने तुमसे प्यार कैसे नहीं किया। ये बोलते हुए विंग के आंखों में आंसू आ गया। वो अंदर अंदर सोच रहा था, सब कुछ कितना बिगड़ गया है, सब कुछ कितना टेरेबल है, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लंजे ने अपने आप को विंग से छुड़ाने की कोशिश किया, बट विंग ने लंजे को और भी टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा, तुमने कितना कोशिश किया था, बट मैंने, लंजे ने कहा, विंग मुझे जाने दो। विंग ने कहा, नहीं। लंजे ने सॉफ्टली कहा, विंग मुझे कुछ कहना है। विंग ने लंजे को और भी टाइटली पकड़ लिया और कहा, मैं सुनना नहीं चाहता, मैं तब तक नहीं सुनूंगा जब तक तुम मुझसे फिर से प्यार करने का कोई मैजिकल वे ना ढूंढ लो। मुझे पता नहीं कैसे, बट मैं सुनना नहीं चाहता, तुम्हें वे ढूंढना ही होगा। एंड इस बार लंजन ने अपना फोर्स यूज़ किया। उसने फोर्सफुली अपने आप को विंग से छुड़ाया एंड इससे विंग चौंक गया। उसे रियलाइज़ हुआ उसने क्या किया। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, ये बोलकर वो पीछे हटने लगा। दिन वो पीछे मुड़ा वहाँ से निकलने के लिए, बट उससे पहले वो जाता, लंजन ने उसके हाथ पकड़ लिया एंड उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब विंग का बैग लंजा के चेस्ट में था। विंग ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश किया। उसने कहा, लंजा प्लीज़ ऐसा मत करो, बट लंजा ने विंग को भी टाइटली पकड़ लिया। लंजा ने कहा, कार्निवल। ये सुनकर विंग रुक गया। लंजा ने कहा, क्या तुम मुझे लेकर जाओगे। ये सुनकर विंग बिल्कुल स्टील हो गया। उसने कहा, क्या। लंजा विंग से अलग हुआ एंड विंग को अपनी तरफ टर्न किया और कहा, ये वो कार्निवल नहीं है जहाँ पर तुम मुझे लेकर जाना चाहते थे, बट मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग कन्फ्यूज्ड हो गया। वो लंजा को देखने लगा। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो। लंजे ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, उस दिन तुमने एक स्टेप लिया था, आज मैं ले रहा हूँ। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया। वो उन दोनों के जॉइंट हाथों को देखने लगा। दिन उसने पूछा, क्या ये पीटी है। लंजे ने कहा, मेरी तरफ देखो और तुम खुद कहो, क्या ये पीटी है। विंग को पता है कि ये पीटी नहीं है, लंजा से कभी भी नहीं करेगा। उसने कहा, क्या तुम अब मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो। लंजा ने कहा, मैं करना चाहता हूँ। विंग ने कहा, क्यों। लंजा ने कहा, बिकॉज अगर तुम्हें ट्रस्ट करना रिस्क है, दिन में वो रिस्क लेना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम फिर से फायर में जल सकते हो, क्या ये फुलिश नहीं होगा। लंजा ने कहा, क्या करूँ, और कोई फायर मुझे मेल्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम स्केयर्ड नहीं हो। लंजा ने नोट किया और कहा, मैं हूँ। विंग ने कहा, क्या मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया है। लंजा ने कहा, शायद मैं ब्लैकमेल्ट होना चाहता हूँ। विंग ने उन दोनों के हाथों की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इसे फिक्स कर सकते हैं। लंजा ने कहा, हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर से शुरू कर सकते हैं।
ये सुन के विंग लंजे की तरफ देखने लगा। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसने कहा, कार्निवल मेरे साथ? लंजे ने नोट किया और कहा, अगर तुम मुझे लेकर जाओगे तो। विंग ने कहा, यू मीन नॉन फ्रेंडली वे? लंजे ने हंसते हुए कहा, मुझे हमारा फ्रेंडशिप पसंद है, बट हाँ। विंग ने कहा, तो डिनर भी करोगे? लंजे ने कहा, आई होप तुम मुझे बिना खिलाए घर नहीं भेजोगे। ये सुनकर विंग हंसने लगा। दिन उसने लंजा के हाथों को किस किया और कहा, लंजा मैं सब कुछ अच्छा करूँगा, आई मीन सब कुछ। ये बोलकर उसने फिर से लंजा के हाथों को किस किया और कहा, तुम देख लेना सब कुछ ठीक होगा। लंजा ने स्माइल की और कहा, मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ। विंग ने कहा, ओके ओके ओके, आप मुझे टिकट लेने जाना होगा। लंजा ने कहा, मैं वो ले सकता हूँ? विंग ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। ये बोल के विंग अपने सूज को बांधने लगा। विंग ने कहा, मुझे भी डेट चेक करना होगा एंड पासेस बुक करना होगा, मुझे रिजर्वेशंस भी करना होगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। विंग को ऐसे देख के लंजा ने शाई किया एंड वो विंग के पास आकर बेंट हो गया एंड विंग के सूज को बांधने लगा। ये देख के विंग ने कहा, हाँ? लंजा ने कहा, फ्राइडे वो कार्निवल क्लोजिंग है। विंग ने कहा, तुमने ऑलरेडी चेक कर लिया है? लंजा ने कहा, लास्ट वीक किया है। ये सुनकर विंग को बहुत अच्छा लगा, वो बहुत हैप्पी हो गया। उसका मन कर रहा था कि वो दौड़े, वो नाचे, वो कुछ भी करे, वो बहुत हैप्पी था। उसने कहा, सी यू फ्राइडे? लंजा ने कहा, सी यू फ्राइडे। विंग ने स्माइल किया एंड देन वो लंजा के अपार्टमेंट से निकल गया। वो बहुत हैप्पी था, वो कूद रहा था, हंस रहा था, वो सोच रहा था वो कितना फूल है, कितना कितना ज़्यादा फूल है। वो इतना लॉस्ट हो गया था कि वो न्यू तरीके से स्टार्ट करने के बारे में सोचा भी नहीं। बट नहीं, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, अब सब कुछ वो ठीक करेगा। अब उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आया है, वो इसे नहीं खोएगा, वो सब कुछ ठीक कर देगा एंड लंजे को वो अपना बनाएगा। उसे पता है कि लंजे उसके लिए हमेशा है एंड विंग भी लंजे के लिए हमेशा रहेगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? फाइनली उनके बीच में सब कुछ ठीक होने लगा है, वो लोग फिर से न्यू तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप अब बहुत हैप्पी हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है उनके डेटिंग्स एंड रोमांस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।